सो आजकल ये इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग वीडियोस चल रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं ये आपको सिखाता हूँ मैं आज इस वीडियो में। सो फर्स्ट आपको आपका काइनमास्टर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको 9:16 रेशियो का रेशियो लेना है, एंड देन मीडिया पे जाना है। आपको आपका कौन सा भी एक वीडियो लेना है। सो सिंपली मैं ये वीडियो लिया, आप वीडियो को देखो कंप्लीट। सो आप कौन सा भी आपका एक वीडियो ले सकते हो। एंड देन आपको लास्ट के मीन सीन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कैप्चर उसके ऊपर क्लिक करके कैप्चर द से कैप्चर एंड सेव पे क्लिक करना है। सो आप वो कैप्चर मीन्स आपके वापस से वीडियो में लाना है, आगे मीन्स जो स्क्रीनशॉट लिया है वो वापस से आपके वीडियो में लाना है। एंड देखो आप ऐसा कुछ दिखेगा आपको स्टॉप वीडियो पूरा। सो आपको जस्ट लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, एंड ये वाला आपको इफेक्ट ले लेना है। ये इफेक्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो इफेक्ट के लिए। ये इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो इफेक्ट के लिए, यह आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना है, फुल पे कर लेना है ना आपको जैसा दिखेगा। सो आपको वो सेकेंड वाली वीडियो पे क्लिक करना है, जो स्क्रॉल करना है क्रोमा किंग, हाँ यहाँ पे क्रोमा किंग है। सो वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड उसको ऑन कर देना है। सो ये सिंपली ऑन करने के बाद आपको ऐसा कुछ वीडियो दिखेगा आपका। सो आपको वो वाले लास्ट वाले इफेक्ट को आपको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से आपके वीडियो में। सो मैं अभी कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ आप देखो, वो जो लास्ट के इफेक्ट मीन्स जो इफेक्ट जहाँ से चालू होता है वो आपको वो बीच वाले जहाँ पे आपने स्प्लिट किया था वहाँ पे और मीन्स आना चाहिए, वैसे आपको करना है कुछ। सो एंड देखो आप वीडियो, सो ये सब प्रॉपर मेरा आ चुका है देखो, एंड आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, आपको जस्ट वो कैप्चर एंड सेव पे था मीन्स स्क्रीनशॉट निकाला था उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जस्ट आपको वहाँ पे बिग कर लेना है, पैन एंड जूम का ऑप्शन है वहाँ पे आपको बिग कर लेना है, प्रॉपर अच्छे से बैठना चाहिए उसके लिए। सो ऐसे एकदम प्रॉपर दिखता है, दिखेगा आपको वीडियो आपका। एंड देन आपको जस्ट कट कर लेना है, ऐसे आपको जितना पार्ट रखना चाहिए उतना रखना है, कट कर लेना है। और वही वीडियो में ऑडियो भी है, सो आपको दूसरे मीन्स बाहर से ऑडियो लाने की ज़रूरत नहीं है, बस वही वीडियो को लेना है। एंड जैसे इसको आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, सो एंड सेव कर लेना है। सो आउटपुट देखो आप।